मंत्री बनवा कर दूसरे की जमीन हड़पने, किसी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने, किसी को डराकर उसकी भूमि हड़पने जैसे मामले सुने होंगे और देखे भी होंगे। लेकिन सीएम सिटी करनाल में एक अजब गजब मामला सामने आया है। मामला भी ऐसा जो कि नगर निगम से जुड़ा है। सीएम सिटी में अवैध कॉलोनी हो या कोई अवैध रूप से मकान बना रहा हो तो नगर निगम के साथ साथ डीटीपी मौके पर पहुंचकर नियमों की दुहाई देते हुए गरीबों के आशियानों को उजाड़ देते हैं। किंतु रामनगर में एक ऐसा वाकया हुआ है कि जगह की रजिस्ट्री मात्र 62 गज है और कब्जा लगभग 100 गज पर है। ये भी तब है जबकि मामला नगर निगम के संज्ञान में था। बीती 6 नवंबर से नगर निगम में कार्यरत राजेश कुमार बार बार 13 नवंबर तक एक ही बात बोलते रहे कि उन्होंने कार्य रुकवा दिया है, किंतु कार्य नहीं रुका और छोटी दीपावली वाले दिन वहां लेंटर पड़ गया। हालांकि अगर नगर निगम करनाल चाहता तो कार्यवाही कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं किया गया और जब तक लेंटर पड़ नहीं गया तब तक राजेश कुमार बोलते रहे कि उन्होंने काम रुकवा दिया है। हम आपको तारीख अनुसार राजेश से हुई बातचीत व जिस जगह पर लेंटर पड़ा उस कार्यवाही को भी दिखाएंगे। हेलो जी, आप कैसे हो? क्या हाल है? ठीक है। हम बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या करा रहे रामनगर नाले पे? हाँ जी, रामनगर नाले पे क्या करा रहे? रामनगर नाले पे क्या हो गया? 62 गज की रजिस्ट्री है, 125 पे कब्जा होने लग रहा है, लेंटर की तैयारी होगी। अभी चेक करा लेते हैं। कराओ चेक। अभी करा लेते हैं। कराओ, अभी भेज देते हैं डेमो को। कोई ना जी। जी ठीक है जी। ओके जी। हेलो जी, प्रधान जी, क्या रहा? रुकवा दिया काम? नहीं, काम रुकवा डॉक्यूमेंट मंगाएंगे कितना क्या है। ठीक है, ठीक है। हेलो, क्या हाल है राजेश? बढ़िया जनाब, आप सुना कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ क्या रहा उसका? काम तो रुकवा दिया था कल, उसके बाद वो आए भी थे, जमा भी काम नहीं करना अभी, जो जितना खराब करने करना नक्शा पास करा कर। नहीं, नक्शा पास है? मैंने चेक ना, नक्शा पास नहीं है। हाँ जी प्रधान जी। राजेश जी, प्रधान जी क्या हाल है? वहाँ होगी है शटरिंग? हाँ जी, भेज दिए बंदे मेरे पास फोन आ रहा था, बंदे 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे शटरिंग होने लग रही और कल वहाँ लेंटर पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो कैसे पड़ेगा, अभी बता। बंदे भेज दिए, अभी रुका भी रुकवा कर रहे बंदे, चिंता नहीं करो। We'll be right back.
भी सहज से अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम चाहे तो किसी के भी आशियाने को उजाड़ दे और नगर निगम चाहे तो किसी का भी निर्माण कार्य करवा दे। जानकारी के मुताबिक निर्माण करने वाले व्यक्ति ने सरकारी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए इस निर्माण को तेजी से करने के लिए शटरिंग करवानी शुरू करवा दी थी, जिसकी एक फोटो इंस्पेक्टर राजेश के पास भेजी। उन्होंने देखी और दावा किया कि अवैध निर्माण को रुकवा दिया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि निगम ने अवैध कब्जे को खाली करवाने की ना तो जहमत उठाई और न ही सख्ताई से इसे रोकने के लिए शटरिंग का सामान बरामद किया गया, जिस कारण अब ये मामला रामनगर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि इस अवैध भूमि पर अवैध निर्माण करवाने के साठगांठ पहले ही हो चुकी थी, अब केवल खाना पूर्ति की जा रही है, परंतु बिल्डिंग इंस्पेक्टर राजेश के मुताबिक फिलहाल अवैध निर्माण रुकवा दिया गया है। हैरानी वाली बात तो ये भी सामने आई है कि जब राजेश से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि यदि अवैध निर्माण किया गया तो उसे गिरा दिया जाएगा। ऐसे में ये बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर अब एक पल के लिए नगर निगम में कार्यरत इंस्पेक्टर राजेश की माने तो उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया था, पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह भी उठता है कि अगर इंस्पेक्टर राजेश ने निर्माण रुकवा दिया था तो लेंटर कैसे पड़ गया, जो नगर निगम को सवालों के कटघरे में भी खड़ा करता है और असमंजस की स्थिति भी पैदा करता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो निर्माण हो गया है उसे नगर निगम गिराएगा या कोई मुकदमा दर्ज करवाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.